हेलो हेलो। हाँ भैया, एमसीडी से बोल रहे हो क्या? ये मेरे घर के सामने एक मरी हुई गाय पड़ी है, क्या आप प्लीज उसे उठवाने के लिए किसी को भेज सकते हैं? गाय ही है ना वो? है? मैंने कहा कोई कुत्ता बिल्ली भैंस तो नहीं है, गाय ही है ना वो? हाँ भैया, वो दो सींग दिख रहे हैं मुझे उसके वहां पे, और एक थन दिखने लग रहा है, गाय ही है। अच्छा तो हमें ये बताइए उसका काउधार नंबर क्या है? काउधार? क्या ये क्या चीज है? काउधार काउधार? नहीं जानते क्या? जैसे आदमियों के लिए आधार कार्ड होता है, वैसे ही गाय के लिए काउधार होता है। सारी इन्फॉर्मेशन इसमें सेव हो जाती है। गाय के कान के नीचे चेक करिए, वहां पे आपको उसका काउधार नंबर मिल जाएगा। जरा चेक करके हमें बताइए क्या है नंबर। एक एक मिनट में देख के आता हूँ जरा। नहीं भाई नहीं, कोई कोई बारकोड नहीं लगा इस पे। ओहो, ये तो अनरजिस्टर्ड काउ है, ये तो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो कुछ किया जा सकता है कि नहीं इस पे? कोई उठाने आएगा क्या? सुनिए, आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवा के लाना पड़ेगा अपने लोकल गौरक्षक लीडर से। उसके बाद उसे अटेस्ट कराइए अपने लोकल पंचायत लीडर से, और वो जाके हमें जमा करा दीजिए। ये सब मुझे क्यों चाहिए? मेरी मैंने थोड़ी मारा है उस गाय को, बस लाश हटानी है वहां से मुझे। आपको नहीं भाई, हमें चाहिए। कल को हमने कोई गाय उठाई जिसपे काउधार नंबर नहीं है, तो गौ रक्षक वाले आके हमें पीटना शुरू कर देंगे। हमें अपनी जान बड़ी प्यारी है, इसलिए ये करना बहुत जरूरी है। अच्छा फिर मैं किसी गौ रक्षक दल के लीडर को नहीं जानता, तो क्या करूं फिर मैं? आप डायल करिए 1800, ठीक है? ये है गौ रक्षा हेल्पलाइन, 24/7 अवेलेबल है। जब डायल करेंगे आपको मदद मिल जाएगी इस पे। इसकी हेल्पलाइन तक है। फिर उठाने आ जाएगा ना कोई हेल्पलाइन डायल करके? बिल्कुल उठा लेंगे, बस एक डेथ सर्टिफिकेट और बनवा लीजिए। डेथ सर्टिफिकेट गाय का? और कौन बनाएगा फिर ये डेथ सर्टिफिकेट? एक लाइसेंस्ड गाउनेकोलॉजिस्ट। ये गाउनेकोलॉजिस्ट क्या होता है भाई? गाउनेकोलॉजिस्ट नहीं पता, ये नई ब्रांच आई है मेडिकल साइंस में। ये 18 करोड़ से ज्यादा पोटेंशियल पेशेंट्स हैं हमारे, सारी ही गौ माता हमारी पेशेंट्स हैं। इतने सारे नए मेडिकल स्कूल भी खुल रहे हैं इसमें। हम तो कहेंगे अपने बच्चे को भर्ती करा लीजिए, यहाँ पे बहुत पैसा है यहाँ पे आज के टाइम पे। अच्छा तो पहले एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनाऊंगा, फिर एक डेथ सर्टिफिकेट बनाऊंगा मैं, ठीक है? उसके बाद तुम गाय को उठाने आ जाओगे ना? बिल्कुल, बस फिर एक रिलीज फॉर्म बनवा लीजिए अपने डिस्ट्रिक्ट एनिमल वेलफेयर यूनिट से, और फिर हो जाएगा आपका काम। पर मरी हुई गाय और किसकी प्रॉपर्टी हो सकती है? मरी हुई है वो तो, तभी तो। जिंदा होती तो क्या हमें कॉल कर रहे होते? ये तो पागलपंती है बिल्कुल। अब ये कितना टाइम लगेगा रिलीज फॉर्म साइन करने में? डिपेंड करता है, कई बारी अगर आप लकी हैं 14 दिन में ही काम हो जाएगा। कुछ एड छपने के 14 दिन काफी होते हैं, लेकिन कुछ ऑफिसर्स कहते हैं 1-2 महीने तक छापो। 14 दिन की एड? मिसिंग पर्सन एड का नाम सुने हो? एक गाय की फोटो उतारना, उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क होगा बॉडी पे, उसकी भी फोटो उतारना और एड छपवा देना, एक इंग्लिश अखबार में और एक हिंदी अखबार में, और 14 दिन तक ये एड चलते रहना कम से कम, ठीक है? भाई भाई तुम अपना थोड़ा खुद का दिमाग लगाओ, ठीक है? 14 दिन तक मैं ये काम करूंगा तो इतने में वो उसकी जो लाश पड़ी हुई है वो सड़ के बदबू मारना शुरू कर देगी, फिर क्या फायदा होगा इन सब चीजों का? भैया रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हमारी भी मजबूरी है, हम क्या कर सकते ये ना, हैं? ये तुम अपनी बकवास अपने पास रखो। मैं क्या कर रहा हूं अभी, मैं 2-3 बंदों को लाके लाश खुद ही उठवा दूंगा। ना 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 तुम्हारी ना ना, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है मैं फिर। ये नहीं करना चाहेंगे आप? क्यों? देखिए भैया, हमारी ये कॉल रिकॉर्ड हो रही है और सारे ही गौ रक्षा की अथॉरिटीज, गौ सेवा की अथॉरिटीज इसे सुन रहे हैं। तो मैं आपको बोलूंगा, आप अपना फॉर्म लीजिए और अपनी फीस जमा कराइए और इससे छुटकारा पाइए। फीस? अब फीस किस चीज की? भाई वो अपना ये कामकाज में फीस तो लगी जाती है, 5 से 15 हजार के करीब लग जाएंगे आपके। ये तो तुम क्या है, डेलाइट रॉबरी कर रहे हो तुम तो। लूट नहीं भैया, ये है इकोनॉमिक्स। वेलकम टू न्यू इंडिया।